दोस्तों टू आईटीएन सरकारी आप सभी लोगों का स्वागत करता है। और देखिए इसके पहले जब हम वर्क कर रहे थे और कर रहे हैं तो जो बोर्ड एग्जाम्स के जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम लोग चैनल अभी तक चला रहे हैं, अभी तक चला रहे थे और चला रहे हैं टू आईटीएन। बट लेकिन एक दिन मेरे बैठे बैठे मन में ख्याल आया कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक तो सीमित रहा नहीं जा सकता, बोर्ड एग्जाम तक तो सीमित नहीं रह सकते हैं। तो हमने सोचा कि भाई गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए भी कुछ किया जाए। तो भाई मैंने एक नया चैनल बना लिया जिसका नाम है टू आईटीएन सरकारी। और इसके अंतर्गत हम क्या क्या करवाएंगे वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, इसमें आपका शिक्षक भर्ती, लेखपाल, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी अदर स्टेट गवर्नमेंट्स की जितनी भी जॉब्स निकलती हैं, ठीक, तो उन सब की तैयारी करवाते हैं। उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको क्या होना चाहिए, आपको देखिए मैथमेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए, मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपको शॉर्ट ट्रिक्स जो आती हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, और आपको इंग्लिश और हिंदी और वेरियस जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका आपको नॉलेज होना चाहिए, करंट अफेयर्स का ज्ञान होना चाहिए। तो इसी के लिए हमने ये चैनल बनाया है जिसपे कि हम वर्क करना चाहते हैं आप सभी लोगों के लिए जिनका मोटिवेशन ये है कि वो लोग सरकारी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, देखिए स्क्वायर की हम ट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं उसको मैं वैदिक मैथमेटिक्स से स्क्वायर निकालने की जो ट्रिक्स होती है वो मैं कैसे बताऊंगा आप देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली है ट्रिक नंबर वन, ठीक है, ठीक। पहली ट्रिक आपको ही है और स्क्वायर निकालने के लिए मैं आपको तीन ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक। तीन ट्रिक्स के माध्यम से हम स्क्वायर हम चुटकियों में निकालेंगे, बा आसानी से आपका स्क्वायर निकलेगा। आप दो से तीन सेकंड में आप किसी नंबर के स्क्वायर का आप आंसर दे पाएंगे जो टू डिजिट में होगा, ठीक। क्योंकि टू डिजिट का जो स्क्वायर होता है वो आपका बड़ा नंबर आता है और आपको वन डिजिट के तो सारे स्क्वायर आपको पता ही है, एक से नौ तक के स्क्वायर तो आप वैसे भी बता दोगे, आपसे कोई भी पूछ लेगा तो आप बता दोगे, लेकिन टू डिजिट्स के जो नंबर होते हैं उनके स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक। ट्रिक के माध्यम से हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सवाल ले लेते हैं, 47 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक। 47 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो आप देखिए ये किन नंबर्स के मेल से बना है, किन नंबरों के मेल से बना है, एक तो 4 है आपका और दूसरा है आपका 7, ठीक। तो देखिए ये आपका क्या है, 4 स्क्वायर और ये आपका 7 स्क्वायर, ठीक। और ये देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 1649, ठीक है, 1649। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब ये जो आपके अलग अलग जो डिजिट है 4 और 7, ठीक, तो हम क्या करेंगे 4 × 7 इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इनका हम डबल कर देंगे, ठीक। तो देखिए ये आपका कितना हो गया, ये आपका 56 हो गया, ठीक। बट 56 को हमें ऐड करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक। इन दोनों के बीच में हमने एक पार्टीशन लाइन बना दी, ठीक, और इन दोनों नंबर्स को 16 को और 49 को हमने सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया, ठीक। अब देखिए ये आपका 56 है तो हम इस 56 को हम यहां पर ऐड करेंगे, बात समझ रहे हैं, इस 56 नंबर को हम यहां पर ऐड करेंगे, ठीक है। और देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10, तो यहां पर आ जाएगा 0 और ये आपका सीधा क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक। और ये आपका कितना हो जाएगा, यहां पर एक कैरी लग जाएगा और ये हो जाएगा 2209, ठीक। आपने ऐड किया आपका आ गया 2209। आप ये देख सकते हैं ये जो स्क्वायर हमने निकाल करके लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। हमने क्या करा,
ये आपका 4 का स्क्वायर अलग लिख लिया, 7 का स्क्वायर अलग लिख लिया, और 4 और 7 का मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, उसको डबल कर दिया, ठीक। और ये 56 हमने अलग कर दिया, और ये आपका 46 आपका हो गया 0, ठीक, 0, और आपका 46 आपका 10 हो गया, 10 का हमने 0 ले लिया, और यहां पर एक कैरी लग जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 + 5 = 21, और 21 में एक कैरी कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक। अब इस ट्रिक का ओरिजिन क्या है, ये ट्रिक कहां से डेवलप हुई है, इसको हम बताते हैं। देखिए कैसे, ये आपका 47 का स्क्वायर, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 40 + 7 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बड़े आराम से लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 40 + 7 होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं। अब देखिए, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, ये होता है हमारा। तो अब देखिए, ये आपका 40 + 7 होल स्क्वायर, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 40² + 7² + 2 × 40 × 7, ठीक। तो अब आप लोग इसे ऐड करेंगे, तो देखिए ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, ठीक है, और ये आपका 7 का स्क्वायर हो रहा है आपका 49, ठीक, तो ये मिल करके कितना हो जाएगा, ये आपका मिल करके हो जाएगा 1649, ठीक। और देखिए इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 40 × 7 × 2, तो ये आपका नंबर हो जाएगा 560, ठीक, कितना हो गया, 560 हो गया, ठीक, ये आपका 560 आ गया, ठीक। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, तो आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट के जस्ट नीचे आपका क्या आ रहा है, जो आपका इकाई का अंक है, इकाई के अंक के नीचे आपका आ रहा है जीरो आ रहा है, ठीक, तो जीरो आ रहा है, नाइन में जीरो ऐड करिए, चाहे 9 में कुछ मत ऐड करिए। तो इसीलिए हमने क्या किया है कि 56 हम एक छोड़ करके नंबर हम इसीलिए लिखते हैं। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहां पर जब हम ऐड करते हैं तो हम एक छोड़ करके हम क्यों लिखते हैं, यही इसके पीछे रीजन है, ठीक, क्योंकि ये आपका 560 आ रहा है, ठीक। अब या तो आप क्या करिए कि 40 ले लीजिए और 7 ले लीजिए, फिर आप उसको डबल करिए, ठीक, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप 40 क्यों ले रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या है कि आप 47 लीजिए और उसका डबल कर दीजिए, ठीक। तो अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2209, और 2209 ही आपका करेक्ट आंसर है। ये हमने क्या किया, ये हमने ट्रिक से बताया, ठीक, ये आपकी ट्रिक यहां से शुरू हुई और यहां से आपकी खत्म हो गई, नहीं यहां से भी ट्रिक शुरू नहीं हुई है, ट्रिक तो शुरू यहीं पर हो गई, ठीक, यहां से शुरू हो गई, ये भी आपका क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, ये आपकी 3 लाइन में आपकी ट्रिक हो गई, लेकिन ट्रिक का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपका यहां से आया है, ठीक, ठीक है, और ये आपकी ट्रिक नंबर 1 हो गई। अब 2 और ट्रिक के माध्यम से हम आपको सॉल्व करना बताएंगे, तो चलिए देखिए इस ट्रिक को रिवाइज कराने के लिए अब मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। तो अब देखिए इसका स्क्वायर मैं लिखूंगा, तो ये आपका हो जाएगा 2809, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4096, और इसका जो स्क्वायर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2916, ठीक, 2916 है, ठीक। अब ये कैसे हुआ, 2 से 3 सेकेंड में आपको निकालने में लगेगा, ठीक, लेकिन ये बिल्कुल एकदम से नहीं होगा, जब आपने अभी इस ट्रिक को पढ़ा, ठीक, उसके बाद रिवीजन के लिए ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिए, इनको भी आपने सॉल्व किया, और आप अपनी तरफ से फर्दर आप कई सारे क्वेश्चंस उठा सकते हैं, उसके बाद आपको ये ट्रिक का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो पाएगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको, तो ये 53 का स्क्वायर है, ठीक,
तो ये हमने 5 का स्क्वायर हमने अलग लिखा, ये आपका कितना हो गया 29। अब ये 3 का जो स्क्वायर है ये आपका सिंगल डिजिट में आएगा, लेकिन इसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंगल डिजिट में तो हम इसे 9 लिख सकते हैं, बट 2 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 09। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 × 5 × 3 दोनों नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 हो गया। ठीक, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो गया 2809। ठीक, अब इसी तरीके से इसमें देखिए हम क्या करेंगे, ये आपका 64 लिखा है तो ये आपका 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 36 और ये आपका 16। ठीक, और 2 × 6 × 4। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 48। तो 48 हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 96 और ये आपका कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक, और 54 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे। ठीक, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 × 5 × 4। ठीक, 2 × 5 × 4 तो ये आपका कितना हो जाएगा, 40। तो 40 हम यहां पर ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2916। दीज आर दी आंसर्स। ठीक, ये सभी हमारे क्या है, आंसर हैं जो हमने कैलकुलेट करके निकाले हैं। ठीक, 2 से 3 सेकंड आपको लगेगा ट्रिक के थ्रू आपको ये स्क्वायर्स को कैलकुलेट करने में। तो चलिए अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, अब सेम क्वेश्चन को ही हम क्या करेंगे, उस दूसरी ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जो हमारी दूसरी ट्रिक है वो है क्या, देखते हैं। देखिए ये हमारे सामने 47 है। ठीक, 47 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम देखिए इसमें क्या करेंगे। अब देखिए ये 47 के सबसे नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कि यूनिट डिजिट 0 हो। 47 के सबसे नजदीक वो नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि 50। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, 50। कितना ऐड करने पे हमें मिला 50, हमने कितना ऐड किया, तो ये हमने 3 हमने इसमें ऐड कर दिया तो हमें मिल गया 50। अब हम क्या करेंगे, 3 हम सब्ट्रैक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 44। ठीक, अब देखिए अब इन दोनों नंबर्स का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये 50 और 44 का जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 2200। और ये जो नंबर है हमारे सामने इसी का हम स्क्वायर ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2209। ठीक, 2209 ये हो जाएगा। अब देखिए ये ट्रिक हमारी कहां से आई। ठीक, तो देखते हैं, देखिए ये आपका क्या है नंबर, हमने मान लिया कोई नंबर है हमारा x, हमारा कोई नंबर है और उसका हमें स्क्वायर चाहिए। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर में ही हमने डी स्क्वायर को एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, एक बार जोड़ दिया, तो नंबर पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर हमारा बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना रहा जैसा नंबर हमारा था। ठीक, अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस डी गुणे एक्स माइनस डी प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए अगर इस नंबर पे अगर हम जाएं, इस नंबर के बारे में बात करें, तो देखिए जो नंबर है हमारा एक्स, नंबर हमारा क्या होगा, हमें 47 का स्क्वायर अगर चाहिए तो हमारे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी, और 47 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा अगर हमने एक्स को हमने 47 मान रखा है। ठीक, तो
ये आपका x हो जाएगा 47, d हो जाएगा आपका 3। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि x प्लस डी आपका कितना हो जाएगा 50, और x माइनस डी ये आपका हो जाएगा 44। अब इन्हीं दोनों नंबर्स का तो मल्टीप्लाई है, यहां पर ये है आपका 47 प्लस 3 और ये आपका 47 माइनस 3 प्लस, और d आपका जो है डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। तो जो हमने नंबर हमने यहां पर ट्रिक के माध्यम से लिखा है, उस ट्रिक का प्रूफ जो है वो ये आपके सामने है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2200 प्लस 9, तो आपको मिल जाएगा क्या 2209। ठीक, तो ये हमारी हो गई ट्रिक नंबर 2। चलिए तो अब देख लेते हैं ट्रिक नंबर 3। ठीक, तो देखिए जो ट्रिक नंबर 3 है वो आपका जो दूसरी वाली जो ट्रिक है उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक, उसी को हमने मॉडिफाई किया है यहां पर। तो देखिए ये आपका क्या है 47 का स्क्वायर है। ठीक, तो 47 में हम ऐसा डिजिट जिसका यूनिट डिजिट 0 हो उससे कितना दूर है, 3 यूनिट दूर है। ठीक, तो हमने 3 हमने ऐड कर दिया। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें हम 47 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 50। 50 का हम 5 लेंगे। ठीक, 5 हम कंसीडर करेंगे, तो देखिए 3 स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 9। तो इसको 9 ना लिख करके हम 09 लिखेंगे। ठीक, और इसका 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25। ठीक, तो अब 25 में से इस डिफरेंस को हम घटा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 25 माइनस 3, और ये आपका नंबर, ये आपका हो जाएगा 2209। ठीक, तो ये आपका हो गया स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर हो गया ये आपका किसका 47 का स्क्वायर। ठीक, और ये बेसिकली क्या है मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक, मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, ट्रिक नंबर 2 का, इसलिए इसका प्रूफ यहां पर अवेलेबल नहीं है। ठीक, लेकिन मुझे पर्सनली ट्रिक नंबर 2 मुझे सबसे अच्छी लगती है। सेकेंड वाली जो ट्रिक है वो बेस्ट ट्रिक है, उससे आप 2 डिजिट क्या, आप 3 डिजिट प्रॉब्लम भी आप उससे इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपको निकालना क्या है 106 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 112 36। ठीक, कैसे किया देखते हैं। देखिए ये आपका है 106। ठीक है, ठीक 106 है। ठीक, तो ये एक कंप्लीट नंबर से कितना दूर है, कंप्लीट नंबर से है, जो हमारा कंप्लीट एक नंबर है वो जिसका यूनिट डिजिट 0 है। ठीक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 100 है। ठीक, तो 100 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 इसमें घटाना पड़ेगा। अब जितना हमने इसमें घटाया है उतना ही हम ऐड भी कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 106 में 6 ऐड कर दिया कितना हो जाएगा 112। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 112 00, और इन दोनों का स्क्वायर ऐड करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 112 36। ठीक, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आपको जो ट्रिक आपको अच्छी लगती है आप उस ट्रिक से आप उस क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली जो सेकंड ट्रिक है वो बेस्ट ट्रिक मुझे लगती है, क्योंकि इससे आपका कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, कहीं कहीं पे भी पे क्या होता है कि जो आपकी पहली ट्रिक है और पहली वाली जो ट्रिक है और तीसरी वाली जो ट्रिक है वो कहीं कहीं पर फेल हो जाती है, लेकिन ये जो सेकंड वाली जो ट्रिक है ये आपकी इन जनरल कहीं पर भी फेल नहीं होती है, और कोई भी प्रॉब्लम आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। पर बेस्ड हम लोग कुछ 3 डिजिट्स प्रॉब्लम हम करेंगे, जो हम लोगों ने सेकंड ट्रिक जो पढ़ी थी उसी पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। ठीक, हमें क्या करना है, स्क्वायर हमें कैलकुलेट करने है। तो देखिए ये हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, हमें 207 का स्क्वायर हमें पता करना है। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इसको 200 तक ले जाएंगे। ठीक, तो क्या हमें करना पड़ेगा, 7 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 7 हमें घटाना पड़ेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा, और जितना इधर पे घटाया है उतना ही हमें
जोड़ना भी पड़ेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 214 मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 428 00। और ये क्या हो जाएगा, जो हमारा अंतर है उसका वर्ग हम लोग जोड़ेंगे, 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये आपका 49 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 428 49। ठीक, अब देखिए हम लोग सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्या है 213 का वर्ग हमें चाहिए। ठीक, तो 213 का वर्ग हमें चाहिए तो हमें इसको 200 तक ले जाना होगा। तो 200 पे ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें से 13 हम घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 200, और जितना घटाया है उतना ही हमें जोड़ना भी पड़ेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा +13, तो ये आपका हो जाएगा 226। ठीक है, तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 452 00। और जो हमारा अंतर है उसी का वर्ग हम जोड़ देंगे तो ये आपका 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 45369। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा। तो ये देखिए हमारा 388 है, तो 388 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 अगर हम जोड़ देंगे तो ये 400 हो जाएगा, फिर हमें गुणा करने में दिक्कत नहीं हो जाएगी तो ये +12 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 400। ठीक है, और अगर 12 जोड़ा है तो 12 ही हम क्या करेंगे घटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा -12, तो ये आपका हो जाएगा 6 और 7 और ये 376। ठीक, 12 घटाएंगे 388 में से तो कितना हो जाएगा 376, अब गुणा करा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 4×6 24 4×7 28 2×30 4×3 12 3×15। ठीक, 20 आ गए हैं तो 20 हमने लगा दिए। ठीक, अब 12 का वर्ग हम जोड़ेंगे तो 12 का वर्ग कितना होता है 144। ठीक, अब ये आपका हो जाएगा 150 544। ठीक, तो बस ये हमारे आंसर है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका है 678 का स्क्वायर हमें पता करना है। तो अब देखिए हम इसको 700 तक ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 22 जोड़ना होगा तो ये 22 और ये आपका कितना हो जाएगा 700, और यहां पर हम क्या करेंगे घटाएंगे 22 तो ये आपका हो जाएगा 656। ठीक, गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 7×42 7×35 4×39 7×42 3×45 और 20 आ जाएंगे। ठीक, अब 22 का वर्ग कितना हो जाएगा 484 तो ये हम ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 486 459। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 897 का वर्ग हम करेंगे तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें हमें 3 जोड़ना पड़ेगा इसे हमें 900 बनाने के लिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 900। ठीक, और ये आपका इसमें हम 3 घटाएंगे ये आपका हो जाएगा 894। ठीक, गुणा कर देंगे अब देखिए ये आपका हो जाएगा 9×36 और 81 3 84। ठीक, 9×72 8 80 हो जाएगा तो ये 8046 और 20 हम लगा देंगे आगे। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 3 हमने 3 जो हमारा अंतर है इसका वर्ग हम जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 8046 09 तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से 1432 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हमें 32 हमें घटाना होगा तो ये 32 जब घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1400 और 32 ही हमें जोड़ना भी होगा तो ये आपका हो जाएगा 1464। ठीक, अब क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 14×56। ठीक, और 4×84 5 89। ठीक, तो 89 की लग जाएगा 9। ठीक, और अब गुणा कर देंगे तो 14 और 14 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा 196 196 में 8 हम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 204। ठीक, तो 204 96
00 और अब हम इसमें क्या करेंगे 32 का वर्ग जोड़ेंगे, तो 32 का वर्ग बेसिकली होता है 1024। ठीक, और नहीं अगर पता है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक, जितने भी हमने मेथड पढ़े हैं आप उससे निकाल सकते हैं, बेसिक मेथड से निकालना चाहे बेसिक से निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 24 6 और ये आपका 9 1 10 5 0 2। तो ये सब हमारे आंसर है। हम लोग उन स्क्वायर्स को हम कैलकुलेट करेंगे जिनका इकाई अंक क्या हो 5 हो। ठीक, तो ऐसे वर्ग हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए इसमें बड़ा आसान क्वेश्चन हम ले सकते हैं। ठीक, 15 का वर्ग हम निकालते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक, तो उसमें देखिए क्या ट्रिक होती है, जैसे हमें 15 का वर्ग अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो 15 में अगर मैं बात करूं 5 का वर्ग, ठीक, तो 5 का वर्ग तो आपको पता ही होगा, आप सीधे बता दोगे ये आपका हो जाएगा 25। ठीक, लेकिन इसका जो दहाई अंक है, ठीक, दहाई अंक है वो हमारा कितना है 1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1 है तो उसमें 1 और बढ़ा करके हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 × 2, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 225 हमारा आंसर है। ठीक, तो लेकिन अगर हम बात करें कि इस ट्रिक को कैसे प्राप्त किया गया, तो मैं बताऊंगा कि इसको भी प्राप्त करने के लिए जो आपका जो ट्रिक नंबर 2 है उसी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, अगर हमें 15 का स्क्वायर अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर अगर हमें ज्ञात करना है, तो देखिए 15 के नजदीक जो ऐसा नंबर हो जिसका इकाई अंक 0 बन जाए, ठीक, जिसका इकाई अंक 0 बन जाए, तो 15 में हमें जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 20। ठीक, और 5 अगर हम कम कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10। ठीक, और देखिए इन दोनों का गुणा करा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 200। ठीक, और जितना जितना हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, जितना हमने जोड़ा और घटाया है, बस उसी का वर्ग हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 225 हो जाएगा। ठीक, तो 225 आपका इस तरीके से आया है। अब देखिए मैं बोलूंगा कि ये ट्रिक नंबर 2 से कैसे आया है, तो ट्रिक नंबर 2 से ये आपका इसलिए आया है क्योंकि देखिए यहां पर जो हम 1 × 2 कर रहे हैं, ठीक, तो 1 × 2 देखिए, जो आपका जब इकाई अंक 5 होता है, ठीक, जब इकाई अंक 5 आपका हो जाता है, तो देखिए 5 अगर आप जोड़ दें आगे तो भी क्या होता है, तो भी आपका क्या हो जाता है, जो आपका इकाई अंक है वो 0 बन जाता है, और 5 जब आप घटा देंगे तब भी आपका इकाई अंक 0 बन जाएगा। ठीक, जैसे अगर देखिए आप 15 की अगर हम बात करें, ठीक, 15 की अगर आप बात करें, तो 15 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20, और 15 में अगर आप 5 कम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10। ठीक, और इन दोनों के दहाई अंकों में जो आपका जो आपके दहाई अंकों में जो आपका अंतर रहेगा वो किसका रहेगा, वो 1 का ही अंतर रहेगा। आप चाहे 35 ले लीजिए, ठीक, अगर 35 की बात करें तो 35 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 40। ठीक, और 5 अगर आप घटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 30। ठीक, आप यहां पर भी देख रहे हैं कि 3 और 4 अंतर किसका आ रहा है, 1 का आ रहा है। ठीक, और 45 की अगर हम बात करें, ठीक, 45 की बात करें तो हम अगर 5 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 50, 5 कम करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 40। ठीक, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि 1 का अंतर रहता है, तो 1 का अंतर रहता है, तो जब भी हम ऐसी संख्या का वर्ग करते हैं जिसका इकाई अंक 5 हो, तो उसका जो दहाई अंक होता है उसमें 1 और जोड़ करके गुणा कर देते हैं, और 5 के वर्ग के बगल में हम जाकर के लिख देते हैं, 5 का जो वर्ग आता है। ठीक, तो उसके बाद हम किसकी तरफ लिखते हैं, सैकड़े की तरफ हम लिख देते हैं उस संख्या को। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, और भी कई सारे सवाल करेंगे। अब जैसे
हम अगर बात करें 35 का वर्ग अगर हम निकालें, 35 का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो देखिए 5 का वर्ग तो हम सीधे लिख देंगे, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक। और 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 4 आ जाएगी, तो 3 × 4, ठीक, तो 3 × 4 हो जाएगा 12, ठीक, तो ये आपका बन जाएगा 1225 हो जाएगी, ठीक, 1225 हो जाएगी संख्या, ठीक। इसी तरीके से हम आपको करके बताते हैं 45 का वर्ग अगर हम लें, 45 का वर्ग अगर हम लेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 5 का वर्ग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25, ठीक, और 4 में एक और जोड़ करके हम गुणा कर देंगे तो 4 × 5, ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2025 हो जाएगा, तो 2025 आपका जो आ रहा है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो अब देखिए ये हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम ट्रिक से करेंगे, और ये वर्ग हमें निकालने हैं, इनका सब का इकाई अंक क्या है 5 है, ठीक। तो देखिए जब 95 का हम वर्ग करेंगे तो देखिए, तो अब देखिए यहां पर 5 का वर्ग तो हम सीधे सीधे लिख देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 25, ठीक, और 9 है तो उससे हम क्या करेंगे एक ज्यादा लेंगे, तो 9 × 10, और इसके यहां साइड में हम लिख देंगे 90, ठीक, तो इसका जो वर्ग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90/25 हो जाएगा, बस ये हमारे लिए आंसर है, ठीक। और दूसरा सवाल करते हैं, तो 105 का वर्ग हमें चाहिए, ठीक, तो 105 का वर्ग हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 25, ठीक, और देखिए ये आपका 10 × 11, 10 और उससे एक ज्यादा का गुणा करके हम लिख देंगे यहां साइड में, तो ये आपका हो जाएगा 110/25, ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। 115 का वर्ग अगर हमें चाहिए, ठीक, तो 115 का वर्ग अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग पहले लिख लेते, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक, और देखिए ये आपका हो जाएगा 11 × 12, ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 × 12 का हो जाएगा 2, ठीक, और 12 × 12 = 13, ठीक, तो ये आपको मिल जाएगा 132/25, ठीक, तो ये आपका वर्ग आ जाएगा 132 और आगे 25, ठीक। अब 135 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 135 का वर्ग करेंगे तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग पहले हम लिख देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 25, ठीक, और क्या करेंगे 13 × 14, ठीक, तो 13 × 14, तो ये आपका हो जाएगा 14 × 3 = 42 और 14 × 14 = 18, तो ये आपको मिल गया 182/25, ठीक है। और देखिए गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ये बेसिकली एक ट्रिक वीडियो था जिससे कि आपको क्या हो कि आपके सामने जैसे मेंसुरेशंस वगैरह के चैप्टर्स में आपको मल्टीप्लाई करना होता है, स्क्वायर की जरूरत होती है, तो आप सीधे सीधे अगर आपको ये ट्रिक अगर आपको पता है तो आप सीधे आप स्क्वायर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, तो आपको क्या होगा ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। जो जिन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में आपको 2 से 2.5 मिनट लगता था आपको उसमें 1 से 1.5 मिनट लगेगा, और जो आपके RRB NTPC वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं और रेलवे ग्रुप डी वगैरह के सबसे ज्यादा इवन रेलवे का हर टाइप का एग्जाम, तो उसमें क्या होता है स्क्वायर अंडर रूट पर बेस्ड क्या होती है प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, डायरेक्ट उसमें पूछा जाता है कि आपको ये होल स्क्वायर बता दीजिए, आपको स्क्वायर बता दीजिए, या आप वर्गमूल बता दीजिए, यानी कि अंडर रूट आप निकाल करके बता दीजिए, तो उसमें क्या है उसमें ये ट्रिक आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आपको हेल्प करेगी, ठीक। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ठीक है।